कोरोना संक्रमण के दौर में चोर चोरी करने के लिए ना जाने कौन कौन सी साजिश रचते हैं, कहा नहीं जा सकता। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के चिकित्सा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को चोरों ने चोरी करने वक्त पीपीआई किट और रेनकोट पहनकर चोरी की, ताकि वह अपनी पहचान छुपा सके। एटीएम को तोड़कर ले जाने की चोरों ने की कोशिश, लेकिन एटीएम की वजन ज़्यादा होने के कारण कैश बॉक्स को अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हुए। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिकित्सा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़ कर ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। यह घटना तकरीबन रात के 12 बजे की है, जब दो चोर एटीएम तोड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसे ले जाने में वे नाकाम हो गए तो मशीन छोड़कर चोर भाग निकले। सुबह जब ग्रामीणों ने खेतों में एटीएम मशीन को फेंका पाया तो चास मुफस्सिल थाना को सूचना दी गई। पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटनाक्रम का जायजा लिया। पुलिस ने जांच करते हुए सीसीटीवी को भी खंगाला, जिसमें दो चोर, एक ने पीपी किट पहनकर और दूसरे ने रेनकोट पहनकर चोरी करने का प्रयास किया था। यही नहीं, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को गीली मिट्टी लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश भी की। चिकित्सा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। कहाँ से सर ये मिला है एटीएम कैश बॉक्स? बगल में खेत पे ही था सर। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं क्या? हाँ सब खंगाला जा रहा है हम लोग का। कितने लोग दिख रहे हैं सर उसमें? अब फिलहाल तो दो दिख रहे हैं। क्या सर मतलब जो लेके गए वहाँ से, मतलब आप लोग किस तरह फिर से लाए वहाँ से खेत से, सर कैसे सूचना मिली इसकी? वो जो अपना होता है जांच कुछ करने के बाद, वो भी अपना प्रक्रिया होने के बाद अपने उठा के बैंक परिसर में रखा गया। सुरक्षा आगे की प्रक्रिया की जा रही है। नाइट गार्ड थे सर? नहीं, नाइट गार्ड नहीं। लेकिन पुलिस के अनुसार एटीएम मशीन के कैश बॉक्स को चोर के द्वारा काटा गया, लेकिन उसे ले जाने में वो सफल नहीं हुए, जिसे खेतों में वो छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस कैश बॉक्स को जेसीबी मशीन से वापस उठाकर रखवा चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। ऐसे में देखना होगा कि चोरों की तमाम कोशिशों के बाद पुलिस नतीजे तक पहुंच पाती है या नहीं। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।